हेलो गाइस, अभी हमारा बनने जा रहा है वेज मसाला ग्रिल चीज टोस्ट। सबसे पहले अपना रेडी टू ईट आलू का सब्जी भैया ने ब्रेड के ऊपर रेडी कर दिया है। फिर भैया उसके ऊपर टोमेटो और ऑनियन अप्लाई करने जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं इस जगह के बारे में आपको बताऊं तो ये जगह है फ्लोरा फाउंटेन के नज़दीक राधे सैंडविच कॉर्नर। ये जगह सैंडविचेस, पिज्ज़ा और फ्रैंकी के लिए बहुत फेमस है। अरे बाप रे, भैया ने वहाँ पे सैंडविच का मेकिंग तो शुरू कर दिया है। ऑनियन और बीटरूट के स्लाइसेस कट के ब्रेड के ऊपर रेडी है। फिर उसके ऊपर जाएंगे कैप्सिकम के स्लाइसेस। कैप्सिकम किसे पसंद नहीं है, हर किसी को कैप्सिकम पसंद है। बहुत कम लोग हैं कि जिन्हें कैप्सिकम पसंद नहीं होता। अभी उसके ऊपर जाएंगे टोमेटो के स्लाइसेस। बहुत सारे स्लाइसेस काट के पूरे सैंडविच को टोमेटो से कवर किया जाता है। अभी आप देखोगे अपने सैंडविच के ऊपर टोमेटो का पूरा एक लेयर बन गया है। उसके बाद भैया टोमेटो के ऊपर स्प्रेड करते हैं चाट मसाला। फिर उसके ऊपर आ जाता है चीज़ भी थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में भैया ऊपर से स्प्रेड कर देते हैं। फिर ब्रेड स्लाइस के अंदर एज यूजल लगता है बटर, ग्रीन चटनी और लाल चटनी। यहाँ तक तो हमारा सैंडविच कंप्लीट हो गया है। अभी वो ग्रिल होने जा रहा है, उसके पहले लगेगा थोड़ा बटर। सैंडविच ग्रिल होने के लिए रेडी है। दोस्तों, फ्लोरा फाउंटेन के नज़दीक वाली ये जगह हमेशा क्राउडेड रहती है। फिलहाल मैं आया तभी भीड़ कम थी। आप अगर फ्लोरा फाउंटेन के नज़दीक आते हो तो ये शॉप आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा। तो दोस्तों, हमारा सैंडविच ग्रिल से बाहर आ गया है और भैया ने उसे बहुत सारे पीसेस में कट करना चालू कर दिया है। बस अभी थोड़ी गार्निशिंग बाकी है, उसके बाद हमारा सैंडविच सर्व होने के लिए रेडी है। भैया उसके ऊपर वापस थोड़ा बटर अप्लाई कर देंगे और फिर चीज़ सैंडविच के ऊपर पूरी तरह से स्प्रेड कर देंगे। यहाँ तक कि हमारी गार्निशिंग रेडी है। बस आखिर में आना बाकी है थोड़ा शेव। साइड में आएगी ग्रीन चटनी, फिर थोड़ी सी लाल चटनी, फिर ऊपर से केचप और ये डन है हमारा सैंडविच वेज मसाला ग्रिल चीज टोस्ट। देखोगे काफ़ी सारी चीज़ें इतना लोडेड है, टोमेटो, बीटरूट, ऑनियन, ऊपर से लोडेड चीज़। पेट भरने के लिए इतना से एक सैंडविच काफ़ी है। वो अगली बार मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।